अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबकत मलिक है। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैं टीवी में ये मैच देखती थी, लाइक मार्शल आर्ट्स के, रेसलिंग के हो या मार्शल आर्ट्स के हो, मैं टीवीज़ में जैसे कि मैच होते हैं, लाइव होते हैं, तो मैं टीवी में वो शोज़ देखती थी। तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ था। तब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, फिर मेरी जर्नी हुई स्टार्ट मार्शल आर्ट में, तब मैं 6th में थी। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में रहती हूँ, तो यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइक मैं एक प्लेयर हूँ, यहाँ पे इक्विपमेंट्स की मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है, मैट्स की पड़ती है, एक प्लेयर को मतलब पर्सनल इक्विपमेंट होता है, वो उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई यहाँ पे। तो हमें मतलब खुद के जेब से पैसे निकालने पड़ते थे और अपने जो नीड्स थी वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब कमी है। फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी कि मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ, तो अब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने जा रही हूँ इस बार, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो लेकिन मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक ही नहीं है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊँ। मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे जो पापा है वो लेबर है, और जो मेरी मम्मा है वो एक आर्टिज़न है, आर्टिज़न की बेसिस पर वो काम करती है। जो मेरी बड़ी बहन है वो स्टडी कर रही है अभी, जो मेरे बाद मेरे भैया है तो वो अभी भी वो भी स्टडी कर रहे हैं। सबका के कम से कम 10 साल हो गए इसके मेरे साथ प्रैक्टिस लेते लेते, जुजुत्सु या किक बॉक्सिंग या कराटे। तो सबकत के अंदर मैंने एक विल पावर देखा, एक हुनर देखा आगे जाने का। मैंने मतलब अपनी जो नज़र इसी पे रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्ट हो गई जुजुत्सु इंटरनेशनल के लिए। तो वहाँ से इसने क्वालिफाई किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मंगोली। तो मैं प्राउड फील करते हैं कि इस बच्ची ने, खासकर ये फार फ्लैंग एरिया में रहते हैं, तो इस बच्ची ने अपने नाम रोशन किया। मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तो सबसे मैन हाथ उन्हीं का रहा मेरी कामयाबी में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे घर वालों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मतलब उन्होंने बोला कि आपकी जो ड्रीम्स है आप वो मतलब फुल करो, तो हम आपके साथ हैं। तो दूसरे जो मेरे कोच हैं मुजफ्फर सर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अगर मतलब आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो मैं मतलब इसको बाहर निकालूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।